जय माता दी। राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 8 सितंबर के मकर दैनिक राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, स्वाति नक्षत्र में राहु के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है। दोपहर 3:31 के बाद विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। शाम 7:58 से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। इंद्र योग, वैतृती योग और रवि नाम का योग बन रहा है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में और सिंह और सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त 8 सितंबर को सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। राहु काल का समय होगा शाम 5:00 से लेकर 6:34 तक। राहु काल के समय कोई भी नया शुभ कार्य न करे, विघ्न आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। मकर राशि वालों, आज स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में राहु के साथ बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। ऐसे में काम धंधे के मामले में आज व्यस्तता वाला दिन रह सकता है। आज कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के अवसर आपको मिल सकते हैं। आज तरक्की के नए अवसरों पर आपको नज़र रखना होगा। सहकर्मियों के साथ ऑफिस में मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। कामकाज में स्थिति जो है वो बेहतर बनी रहेगी। आज आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं तो थोड़ा आपको सजग भी रहना होगा। वाणी व्यवहार में प्रभावशाली बने रहेंगे। आज किसी के साथ विवाद करने से बचेंगे। मकर राशि वालों, काम धंधे के मामले में आज दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आज कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मकर राशि वालों, आज स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है। कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रबंधकीय प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे। आज व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान को बढ़ावा मिल सकता है। आज सबके साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे। आज संपर्क संवाद सकारात्मक रहेगा। अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारियों के साथ सामंजस्यता बढ़ाए रखें, इससे आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आर्थिक मामलों में दिन वैसे आपके लिए अच्छा है। आमदनी के नए स्रोतों से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में लेन देन करते समय आपको बहुत ही सजग रहना होगा। आज किसी को भी धन उधार देने से बचेंगे, इससे आपका पैसा फंस भी सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कुछ परेशानी चल रही है तो आपस में बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करेंगी, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न आज मिल सकता है। कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो सोच समझ कर ही करें। आज व्यापारियों के लिए अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको फंड आसानी से मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में घर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। सबके साथ सामंजस्यता बनाकर